नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको यह सिखाते हैं कि कैसे आप इंडिया में अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। देखिए, जो सेल है ना, जैसे ही सेल होती है उसमें से आपको अपना प्रॉफिट निकल जाता है। मान लो आपने 100 रुपए की सेल की है, 100 रुपीज, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट में आपको 10% भी मिलता है तो आपके जो प्रॉफिट हो गया इस सेल से 10 रुपए आपके हो गए। इसका मतलब ये है कि आपको एक सिंपल सा फार्मूला मिल गया पैसे कमाने का। मीन्स 100 रुपए का माल बेचना है, 10 रुपए मुझे मिलेंगे। अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, देखो मैं तरीका से बता रहा हूं आपको, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वांटिटी, ठीक है। मान लो कि यह एक आइटम थी, यह एक आइटम थी और आपको 100 रुपए की सेल निकाली। सेल की क्वांटिटी बढ़ा दो, मीन्स आपने 10 सेल करोगे, ठीक है। अगर 100 रुपए की एक आइटम है, आपको 10,000 निकल गया, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यानी क्वांटिटी के ऊपर आपने टारगेट रख दिया, क्वांटिटी बढ़ानी है। अब क्वांटिटी इंक्रीज कैसे करनी है, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले होती है डोर टू डोर, डोर सेल्स। आपने अपनी शर्म की कमीज को उतार दिया, एक तरफ रख दिया, किसी के घर के सामने आप गए, उसको रिक्वेस्ट की कि मेरा जो सामान है ये क्वालिटी वाला है। जब डोर टू डोर सेल की बात करते हैं तो नंबर एक पे है कि उस कस्टमर, फाइनल कस्टमर को इतना बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब ये है कि आपको एक सेल के ऊपर 10 रुपए मिलता है। अगर आपने डोर टू डोर में, क्या जरूरत है, आप 1 रुपए कमाओ ना, ज्यादा से ज्यादा लोग हो। हाँ, एक लेडीज से दूसरी लेडीज से कहेंगे, वो आया था सेल्समैन, इतना सस्ता दे के आया है, आज तक तो वो देता नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार यहाँ शालों की सर्दी में सेल लगी थी, उसने इतना डिस्काउंट दे दिया कि उसकी सभी शालें यहाँ बिक गई थी, वो कश्मीर से आते थे। तो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, 10,000 यूनिट्स भी बेच सकते हो आप, ठीक है। तो रेट आपका जितना कम होगा, सबको पता है कितना रेट आता है। नंबर दो पे आ जाओ, चेक, हु इज नीडी। आज हमारे साथ हमारे दोस्त विकास जी आए थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन हमारा सर्व खरीद सकता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी सिटी में बहुत सारे ड्राई क्लीनर है, ड्राई क्लीनर है। अगर आप इनको अच्छा प्रॉफिट दे दो, कौन आपका माल नीडी कौन है, नीडी देखो जो कपड़े धोने वाले प्रोफेशनल हैं, धोबी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा सर्फ यूज करते हैं। अगर इनके साथ रिलेशन ज्यादा से ज्यादा बनाए तो आपकी सेल निकलेगी। ऐसे ही आपका सामान कौन इस्तेमाल करता है, कौन इस्तेमाल करता है, मैं एक सिंपल सी अपने फ्रेंड की एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अगर जो बसों में, ट्रक्स में या कहीं भी है, वो पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको देते हैं फाइनल कस्टमर को, तो प्रॉफिट ज्यादा है। तो वो देखो कि कौन नीडी है, किसको नीड है। इंस्टेड हम शॉप को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, अगर फाइनल कस्टमर के तरफ हम पहुंच गए तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। नंबर तीन पे है अपने इंप्लॉइज। आपका कोई भी बिजनेस है, सबसे पहले तो आपके एम्प्लॉइज होने चाहिए कि वो इस सामान को खरीदे, ठीक है। आपके मान लो 10 एम्प्लॉइज हैं, 15 एम्प्लॉइज हैं, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप उसको एक कंडीशन लगा सकते हो, भाई मेरे पास यहाँ जॉब करनी है तो मेरे प्रोडक्ट को भी खरीदना पड़ेगा। अगर आपको मेरी कंपनी पे ट्रस्ट है, मुझ पे ट्रस्ट है, तो मेरे प्रोडक्ट को भी आपको बाय करने होंगे, क्योंकि मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ। आप कहीं से भी करें, मैं तो आपकी वेलफेयर चाहता हूँ, इस तरह से आपका फायदा होगा, तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। चौथा, उसके बाद है नेटवर्किंग मार्केटिंग, वर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग।
मार्केटिंग मीन्स आप अपना मुनाफा और कम कर दो, एक की जगह पे 0 रुपए 50 पैसे कर दो। मीन्स जो आपके साथ नेटवर्क में जुड़ेगा उसको आप आगे और प्रॉफिट दे दो। ठीक, पांचवा उसके बाद आती है प्रमोशन। प्रमोशन इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मान लो हमने सर्फ बेचना है, एक गांव में चले गए, वहां आवाज से एडवर्टाइजमेंट होना स्टार्ट हो जाए। हम इस चौक में खड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट हो, भाइयों और बहनों जो ये सर्फ बिक रहा है ये बहुत ही कम रेटों में कंपनी की तरफ से बिक रहा है, तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्शन होके आपका सामान बिक जाएगा। सिक्स सेमिनार। बहुत सारे लोग आज बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ मिलाइए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता है बेरोजगारों के पास, वो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों किसी के पास भी जा सकते हैं, तो वो सेमिनार में आए। अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड तो उनको आप सेल कर सकते हो। मान लो कि एक बेरोजगार है, उसको कहें हम कि भाई आप एक सर्फ लो हमसे, ठीक है, आप जिसको बेचोगे उसको 50% आगे आपको मिलेगा, तो उसके मन में आएगा हाँ यार मैं बेरोजगार हूं इससे मेरे को कमाई होनी है, तो उसकी सेल आपकी सेल बढ़ती जाएगी। सेवंथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो दोस्त आपका दोस्त नहीं जो आपको हेल्प ना करे। आप अपने दोस्त से पैसा तो नहीं मांग रहे उधार कि भैया मेरे को 10,000 दे दो 15,000 दे, उसको कह रहे हैं भैया मैं काम स्टार्ट किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप मेरे को इस सेल में हेल्प कीजिए, ये आपकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसा काम स्टार्ट करो जिसमें ये तीनों चीजें हो जो उसकी नीड हो। ये ना हो कि आप उसकी कोई ऐसा प्रोडक्ट रख रहे हो जो उसकी नीड ही नहीं है, आप उसको बेच रहे हो कार उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, ठीक है, ऐसी जो उनकी नीड हो, रोटी कपड़ा और मकान की नीड हो, वो प्रोडक्ट आपके रिलेटिव आपके हेल्प के लिए आपसे खरीदेंगे। आठवां पॉइंट, अब आगे बात है ऑनलाइन। दुनिया की 85% लोग ऑनलाइन में पहुंच चुके हैं, सिर्फ 15% जो बुजुर्ग है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है वो अटैच नहीं, आज हर कोई ऑनलाइन पे पहुंच गया है। तो हमारा काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशनल एड्स वीडियोस कंटेंट्स फेसबुक ट्विटर या जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसको साथ में लेते हुए हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट जिसमें एक दिन में $1 बिलियन की सेल की है, ठीक है, जैसे एग्जांपल या फ्लिपकार्ट को कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे amazon.com है, ebay.com है, बहुत सारी है, snapdeal.com है, सबका काम है सेल करना। तो 8 तरीकों से आप सेल बढ़ा सकते हो। एक लास्ट पॉइंट आपको यहां बता के जाता हूं, 9th थिंकिंग। एक सोचता है नहीं नहीं सेल नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी यार मुश्किल है, ठीक है, ये इंसान की सोच है। एक कहता निकलेगी निकलेगी बहुत मैं उत्साहित हूं होना ही होना है, तो क्या होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी अच्छी होगी तो वो आपकी जो थिंकिंग है उस व्यक्ति के दिमाग में पहुंच जाएगी, उसने वापस आपसे वो माल खरीद लेना है। अगर आपको भी नहीं बिकेगा उठते ही यार उसने पिछली बार भी नहीं खरीदा था अब कैसे खरीदेगा, ठीक है, तो वो बात जो सोचा था आपने उसके दिमाग में पहुंचा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसी बार ऐसा ऐसा करते करते सारी जिंदगी आप सोचोगे नहीं यार मैं तो सेल में फेल हो गया। एक बहुत अच्छी सी किताब है, मैं सेल में असफलता से सफलता की तरफ कैसे पहुंचा, वो पढ़नी चाहिए, उसमें यही का बात कही है, हमने थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, हाँ बिकेगा ही बिकेगा तो बिकेगा आपका माल, ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।